दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं सैमुअल टेलर कॉलरिज की कुबला खान, जिसका पूरा नाम है कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम अ फ्रैगमेंट। बहुत ही खूबसूरत पोयम है दोस्तों। मैं इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बताता हूं एस टी कॉलरिज के बारे में। एस टी कॉलरिज बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व थे। ये पोयम लिखने से पहले एस टी कॉलरिज अफीम लेकर के सोए। उन्होंने सपने में इस पोयम का ड्रीम देखा और इस पोयम को लिख डाला। वैसे ये इस पोयम में बहुत कुछ लिखना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से इसको पूरा लिख नहीं पाई। बीच में इनको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने जो सपने में देखा था वो ये लिख नहीं पाए पूरा। लेकिन जितना भी लिखा बड़ा खूबसूरत लिखा। और जैसे इन्होंने ये पोयम लिखी है, इनकी ये खास बात थी कि ये इसी तरीके से अधिकतर पोएम्स लिखा करते थे, मतलब आधे नशे में। तभी तो मैंने आप लोगों को कहा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे। कुबला खान पोएम में जो नाम है कुबला खान, ये वास्तव में मंगोलों के बादशाह चंगेज खान का ग्रैंडसन था। माना जाता है कि कॉलरिज इस पोएम को लिखने से पहले इसी के बारे में पढ़ रहा था, कुबला खान के बारे में। और एस टी कॉलरिज थोड़ा सा अनवेल फील कर रहा था तो अफीम लेकर के सो गया और नींद में कुबला खान के पैलेस जनाडू का विजन देखा। तो जब कॉलरिज अपनी नींद से जागा तो वो जैसे कि तैसे अपना देखा हुआ सपना कोरे कागज पर उतारना चाहता था, लेकिन किसी ने कॉलरिज को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से कॉलरिज अपनी ये पोयम कंप्लीट नहीं कर सका। हाँ जी, ये पोयम आधी ही है और कॉलरिज की अधिकतर पोयम्स आपको आधी ही मिलेंगी। और उसकी वजह भी कॉलरिज के ये नींद में आए सपनों को लिखने की आदत थी। उनको अपने सपने पूरे याद नहीं रहते थे और वो अपनी पोयम्स को, अधिकतर पोयम्स को कंप्लीट नहीं कर पाते थे। पोयम्स का अधिकतर हिस्सा वो भूल जाते थे। अब ये जो पोयम है कॉलरिज की कुबला खान, इसको कॉलरिज ने कभी पब्लिश नहीं करवाया था, बल्कि अपनी प्राइवेट रीडिंग्स में रख दिया था। बाद में इसको पब्लिश करवाया गया और जब ये लोगों के बीच में आई तो शुरू में तो कुछ लोगों ने इस पोयम को पसंद नहीं किया, बोले ये क्या लिखा है। लेकिन बाद में कुछ सालों के बाद क्रिटिक्स भी खुले में आकर इस पोयम की तारीफें करने लगे। अब मैं आपको थोड़ा पोयम के बारे में बता देता हूँ कि पोयम में है क्या। तो शुरू करते हैं। जनोडू में, जो कि कुबला खान का एक महल है, एक पैलेस है, नाम है इसका जनोडू, मतलब एक बहुत ही फैंसी और ब्यूटीफुल महल बनाया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुबला खान द लेजेंडरी चंगेज खान का वंशज था, मंगोलों का बादशाह था। तो नेक्स्ट लाइन में स्पीकर जनाडू की जियोग्राफी बताता है कि ये जो इस पैलेस है जनाडू, वहाँ से एक एल्प रिवर बहती है। ये एल्प रिवर बहुत ही सेक्रेड, यानी कि बहुत ही पवित्र रिवर है। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई एल्फ रिवर बहती नहीं है, ये सब इमेजिनेशन है। तो इसकी खूबसूरती देखिए, जो कॉलरिज हमको दिखाना चाहता है, इस पोयम की खूबसूरती देखिए। तो ये जो सेक्रेड रिवर एल्फ है, ये गुफाओं में से होती हुई बहती है और ऐसी जगह का चित्रण किया है कॉलरिज ने हमारे सामने जो एकदम ही अलग है। तो ये जो एल्फ रिवर है, ये घाटियों में से होती हुई, गुफाओं में से होती हुई बहती है और एक सनलेस सी में जाकर के गिरती है, डार्क सी में। यहाँ पे जनाडू जो महल है, इसके पास में ये एल्फ रिवर बह रही है। और अब पॉइंट हमें पैलेस के अराउंड जो गार्डन है उनके बारे में बताता है और इसके साथ साथ बोलता है कि पैलेस किस तरह से वॉल्स और टावर्स से घिरा हुआ है। इस पैलेस के अराउंड बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं और उस महल के आसपास जो गार्डन है वो बहुत ही ब्राइट हैं। और आगे की लाइनों में स्पीकर हमें फिर से रिवर एल्फ की तरफ ले गया। दोस्तों, ये जो पैलेस है जनाडू, ये पहाड़ों से घिरी हुई एक घाटी में स्थित है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये रिवर एल्फ यहां पे बहती है और इन्हीं में से एक पहाड़ी को काटती हुई गहरी खाई में झरने के रूप में गिरती है। तो ये सारा हिल साइड देवदार के पेड़ होते हैं, उनसे ढका हुआ है। अब इनसे आगे की लाइनों में कॉलरिज एक वुमेन के बारे में बताता है। अब यहां पे पोयम थोड़ी सी गॉथिक, थोड़ी सी हॉरर टाइप की हो जाएगी। ये जो वुमेन है,
ये अपने डीमन लवर के लिए चिल्ला रही है, रो रही है। आगे की लाइनों में स्पीकर बताता है कि किस तरह से नदी में उछाल आ रहा है और किस तरह वो घाटी में स्मैश कर रही है नदी। अब स्पीकर खुद कुबला खान के बारे में बताता है, जो कि इस नदी में हो रहे शोर को सुन रहा है और अपनी एक लड़ाई के बारे में सोच रहा है। ये कुबला खान नदी में हो रहे शोर को सुन रहा है और अपनी एक लड़ाई के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ से अचानक स्पीकर हमें कहीं दूर ले जाता है अपने एक दूसरे विजन में, जहाँ एक वुमेन अपना एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही है और गाना गा रही है। यहाँ उसे उस वुमेन की सिंगिंग ने एक तड़प से भर दिया। अब ये पोयम का एंड आ चुका है और एंड में ये पोयम ज़्यादा ही पर्सनल और मिस्टीरियस बन जाती है, बहुत ज़्यादा रहस्यमय बन जाती है कि ये जो वुमेन की सिंगिंग है इसने उसको इतना तड़प से भर दिया कि ऐसे लगा कि उसको पैराडाइज का मिल्क जो है वो पिला दिया गया हो। देखो, पूरी पोयम में कॉलरिज ने आसपास के माहौल, ज्योग्राफिकली जो खूबसूरती है उसको दिखाया है और पोयम बहुत ही खूबसूरत है, जैसे आंखों के सामने ही सब कुछ चल रहा हो। मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरी पोयम ढंग से समझ में आ जाएगी। बहुत कुछ बाकी है अभी इस पोयम में समझने के लिए। फिलहाल आज के लिए मैं वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत जल्दी ही मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर के आऊंगा, आप लोग वेट कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।